आज सूचना मिली थी उपजिलाधिकारी महोदय को, तो उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज ये सावर रोड है वहाँ पे एक जो जितेंद्र कुमार की दुकान थी जिसमें वो दूध से क्रीम बनाने का काम करते थे, वहाँ छापा मारा था। तो वहाँ पे कुछ संदिग्ध अवस्था में कई पदार्थ मिले, दीपक वनस्पति पर भी संदिग्ध अवस्था में वहाँ पे कई मिले जिसमें था घी था मक्खन था, उसकी सैंपलिंग कराई गई। उसके बाद एक दीपक वनस्पति दुकान थी, यहाँ पे बताया गया कि एक H2O2 जी एक केमिकल है जो दूध में मिलाया जाता है और दूध में उसकी जो लाइफ होती है जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बिल्कुल एक जहर की तरह होता है। इसकी सूचना है मिली तो यहाँ इसको जब्त कर दिया गया है और आगे इसकी कार्रवाई कराई जा रही है, आगे इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिजल्ट आएंगे उसके अनुसार यदि कार्रवाई। क्या मानते हैं, धीमा जहर है, स्लो जहर है, क्या मानते हैं? हाँ, ये बताया गया है कि बिल्कुल जहर है और धीमा नहीं, हम तो कहते हैं बहुत तेज जहर है। तो यहाँ पे तो इसको क्या सीज किया गया है इनको? हाँ, सीज किया गया है, अभी इसकी जाँच कराएंगे और जैसे जाँच हो जाएगी वैसे ही अगर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, सैंपल फेल होने पे भी कार्रवाई की जाएगी और यहाँ भी जो जाँच होगी दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर आपने छापा जो मारा है